अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां पर घास मंडी इलाके में बीते शाम को एक युवक को आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों और सरिया से जमकर पीटा है। इसके बाद हमलावर उसे छोड़कर मौके से फरार हो गया। युवक की हालत गंभीर है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही ग्वालियर थाना पुलिस हॉस्पिटल भी पहुंची। वहीं पुलिस ने हमलावरों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना से आक्रोशित लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने कहा कि पुलिस द्वारा आरोपियों की धर पकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इस इलाके के लोग भी उनसे काफी परेशान है। अति शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जो जेल सफाई में जेल पुलिस में सर्विस है, सफाई कर्मचारी सफाई कर्मचारी मिलने आया अधिकारी से कि आप से मिलने आए, उन्होंने ले दिया है, बोल दिया है हम सख्त कार्रवाई करें। क्या मांगे रही आप? हमने तो ये मांगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो उन पर, उनके मकान की रिहा और गिरफ्तारी हो। घास मंडी पर प्लॉट का है बेसिकली एक विवाद, और उसको लेके ही झगड़ा इनका पहले से चल रहा था, पुरानी रंजिश थी। कल वो जो हमारे फरियादी हैं वो उधर गए होंगे तो उस पर मारपीट हुई है। तो मैं जो नाम लिखवाए हैं उन पर तो केस रजिस्टर्ड किया है। इन लोगों को बताना है कि चूँकि ये क्रिमिनल है, काफ़ी हार्डकोर क्रिमिनल है, तो ये ही कराता है और इसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। ये थाना अपना ग्वालियर जिला।